तो मेरे भाई लोग कैसे हो? आ चुके एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तो भाई लोग यार, ये जो गेम प्ले है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। बिकॉज यार, मेरे पास हीलिंग के नाम पे कद्दू कुछ नहीं होता। वो सीन थोड़े आगे चल के होंगे। खैर, मैं आता हूँ यहाँ पर सी बिल्डिंग पे। एंड यार देखो, अभी अगर आप चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज यार उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। खैर यार, यहाँ पर आती मुझे पहले तो शॉर्ट गन मिलती है, एंड उसके अलावा एक वेक्टर मिलती है, और सामने बंदे होते हैं। तो यार, अभी तक हीलिंग के नाम पे मेरे पे कद्दू कुछ नहीं, सिर्फ एक गन मिला, एंड उसके ऊपर से भाई मेरी एचपी लो हो जाती है। तो यार मैं नीचे जाने का मतलब प्लान करता हूँ, बिकॉज ऊपर रहूँगा तो मारा जाऊँगा। एंड यार, ये दरवाज़ा मुझे बचा लेता है, बिकॉज इस बंदे की सारी एमओ दरवाजे पर लग जाती है, एंड इसका गन रिलोड पे आ जाता है। खैर यार, ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं, एंड मतलब अभी इसे मैंने मारा तो यार इसका एक टीममेट होता है जो कि मेरे ऊपर रश कर देता है। तो यार, मेरे पास हीलिंग के नाम पे कुछ नहीं था, इसलिए मैं इसे फिनिश करने की ट्राई करता हूँ। बट तभी यार एक बंदे के और फुटस्टेप आ रहे होते, मतलब अभी ऊपर दो बंदे होते, तो मैं सोचता हूँ इन पर मैं ही रश कर दूँ। एंड यार मुझे सच्ची नहीं पता ये बंदा क्या कर रहा था। खैर, यहाँ पर मैं चार बंदे नॉक कर चुका होता हूँ, मतलब अभी चार बंदे नॉक हुए होते एंड इनकी टीम फिनिश नहीं होती, मतलब ये किसी और टीम के बंदे थे। बट यार, वो वाला बंदा भाग जाता है जिसको मैंने पहले नॉक किया था हेडशॉट मार के। फिर उसके बाद मुझे नीचे से फुटस्टेप आता है। अब यार, इतनी गंदी बैरल ये बॉट तो नहीं चला रहा होगा। अब पता नहीं भैया, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, बॉट भी आजकल बहुत खतरनाक हो चुके हैं। सो मैं इसकी क्रेट लूटता हूँ, एंड बैरल इसी पे होती है। और यार, अभी तक मुझे हीलिंग के नाम पे कुछ नहीं मिला, एंड यहाँ पर मैं एमो लूट रहा होता हूँ एंड रिलोड कर रहा होता हूँ, तभी तक एक बॉट आता है। भाई यार, वैसे ही मैं हीलिंग के नाम पे फकीर हूँ, ऊपर से इस बॉट ने भाई उल्टा मेरे को और डैमेज कर दिया। अब मैं 10 HP का बचाऊ कुल। तो यार, हीलिंग ढूंढते ढूंढते मैं मिडिल बिल्डिंग में आ जाता हूँ, बट यहाँ सामने की तरफ काफ़ी ज़ोरों से फाइट चल रही होती है। एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, एंड मैं यहाँ से चला जाता हूँ बिकॉज ग्रेनेड वगैरह आने लग जाते हैं, एंड मैं हीलिंग के तलाश में आया था यहाँ पर। यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, तो यार मेरा मतलब रश करने का बहुत ज़्यादा मन था, बट हीलिंग नहीं थी। बट यार, फिर भी मेरा किल मुझे मिल जाता है, बिकॉज जो एनिमी होता है वो उसके टीममेट को मार देता है जिसको मैंने नॉक किया था। एंड तभी थोड़ी देर बाद मुझे एक और बंदा दिखता है सामने की तरफ। इसे नॉक करने के बाद भाई मेरे अंदर का कीड़ा भाई मतलब उंगली करने लगता है, बोलता है भोस मतलब चल भाई चल, कब तक नॉक करते बैठेगा। सो यहाँ पर मुझे एक बॉट मिलता है, एंड यार फाइनली जाकर इस बॉट के पास से मेरे को एक हेल्थ किट मिलती है, फर्स्ट एड मिलता है, एंड उसे लगाकर मैं इन पर रश करता हूँ। और यहाँ पर जैसे ही एक बंदे को नॉक करता हूँ, तो यार मैं थोड़ा मतलब दिमाग लगाता हूँ, एंड यार मैं मिडल साइड से अटैक करने की ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर पूरे के पूरे तीन बंदे होते हैं, ये मेरा एक वहम था। और यार, उनका एक चौथा बंदा मुझे मार के चला जाता है, मुझे पता भी नहीं चला भाई ये कब आया, इसने फुटस्टेप तक नहीं दी, इतनी गोलीबारी चल रही थी। खैर छोड़ो यार, आते इस वाले गेम प्ले में, एंड ये वाला गेम प्ले भाई काफ़ी ज़्यादा खास होता है, बिकॉज यार यहाँ पर मतलब जो जोर जो कंटेनर्स है, ये जो आप बड़े बड़े टावर देख रहे हो, यहाँ पर भाई मतलब जो बादल होता है क्लाउड, वो ज़मीन पर आने वाला है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर एक मतलब बादल का टुकड़ा गिरने वाला है। तो यार खैर, आता हूँ मैं यहाँ पर वेयरहाउस पे, बिकॉज यार मेरे को कंटेनर पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। फर्स्ट मुझे बाइजन मिलती है, एंड सामने की तरफ से फुटस्टेप आते हैं। ये हमारे पिंक वाले भालू, मतलब इन्होंने देख तो लिया था मुझे, बट थोड़ा देर हो गया, एंड इनको भर दिया आराम से। एंड आगे की तरफ एक बॉट होता है जो कि मेरी किल चोरी कर रहा होता है, तो मैं फटाफट से जाता हूँ।
तो यार ये सुअर है पांडा है, खैर हम पांडा बोलेंगे, तो इसे जैसे मारे इसके टीममेट लोग गुस्सा हो जाते हैं। और यार छोटे से छेद में इन दोनों को नॉक करने के लिए एक लाइक तो बनता है यार, कर दो भाई कर दो, आपके भाई का चैनल है, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, बिल्कुल फ्री है, एक पैसा नहीं कटेगा, गारंटी देता हूँ तुमको। यहाँ पर उस बंदे का भी किल मिल जाता है जो कि कंटेनर की तरफ छुप गया था, बट सामने की तरफ से दो दो फुटस्टेप आ रहे होते हैं एंड यहाँ पर एक बंदा मेरे को मतलब अब्जॉर्व कर लेता है। बट यार शायद हमारे भाई की हेल्थ कम होती है जिसकी वजह से मतलब इनको पता भी नहीं चला। एंड इस बंदे को देखो भाई, इसका बंदा मतलब इसका बंदा नॉक होकर फिनिश हो गया और ये लूटने में बिजी है। खैर इसके लास्ट वाले बंदे को भी यहाँ पर खत्म कर देते हैं एंड उसके बाद हम आते हैं इस वाली जगह पे। तो यार यहाँ पर मैं काफी देर से बंदों को ढूंढ रहा होता बट मुझे कोई नहीं मिलता, तभी भाई मुझे वो बादल का टुकड़ा दिख जाता है। भाई चलो थोड़ा मतलब नजदीक से दिखाया जाए आपको। तारे जमीन पर तो मैंने सुना था बट यहाँ पर बादल भी जमीन पे आ चुके हैं, मतलब मजा आ गया। फाइनली जाकर पूरा मतलब राउंड मारने के बाद मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है जो कि कंटेनर्स पे होता है, बट इनकी फाइट किसी और से चल रही होती है एंड वो बंदा ये होता है। और ये जो हमारे अंकल है जो सामने पहाड़ पे एकदम भाई कंगारू की तरह खड़े हैं, तो यार इन्होंने मतलब ये जो बंदे हैं इनको सबको परेशान करके रखा था एंड भैया मेरे हत्ते ही नहीं चढ़ रहे होते। तो यार इसके बाद एक बंदा मेरे पे पुश करने की ट्राई करता है एंड यार आप कमेंट करके बताओ ये बंदा था कि बॉट, मुझे जहाँ तक लगता है सब बॉट बोलेंगे, बट यार ये एक रियल बंदा था शायद शायद। हाँ यार उसके बाद वहाँ पर सब शांत हो जाते हैं तो मैं आता हूँ इस वाले वेयर हाउस में, बट यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि मेरे को कब से इरिटेट कर रहा होता है। देखो यार आप फुटस्टेप सुनो इसके, और भाई ये बंदा आँख में चोली खेल रहा था, मुझे पता नहीं इसने पीछे से कब फ्लैंक करा, भाई यहीं से फुटस्टेप आ रहे थे। तो यार अब बारी थी इसको पकड़ने की, यहाँ पर मैं पहले होल्ड करता हूँ 2 सेकंड, बोला अब जो होगा देखा जाएगा, भाई आ रहे पार। और यार बहुत इजीली बजा दिया इसको भी। खैर उसके बाद जोन भैया आकर हम पे डंडे लगा रहे होते, तो हम वहाँ से गाड़ी लेकर रुजॉक की पहाड़ी आते, बट सामने से बाइक की साउंड आती है मुझे एंड यार उस बाइक पे होते टोटल 2 बंदे। सो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकता, मैं सीधा यहाँ से लेकर जाता हूँ अपनी गाड़ी इस वाले कंपाउंड में, बिकॉज मैं मतलब क्लोज फाइट नहीं लेना चाहता था एंड इन लोग ने मतलब ड्रॉप लूटा था तो इनके पास ग्रोजा वगैरह भी पड़ी थी। सो मैं अपनी गाड़ी लाकर यहाँ पर ठोकता हूँ एंड अब थोड़ा दूर से फाइट लेंगे। तो यार ये जो बंदे होते हैं ये स्कूल वाले से फाइट ले रहे होते हैं, मतलब स्कूल वालों से लड़ाई चल रही होती, बट मेरे अंदर भाई जो कीड़ा था वो वापस उंगली करता है। इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, मैंने सोचा कि मतलब अब हम ऐसे ही लड़ेंगे, ठीक है हम लोग मतलब दूर दूर से लड़ेंगे, बट तभी भाई ये लोग पीछे जाते हील वगैरह करते एंड यार सरप्राइज़ देने के लिए ये लोग भाई देखो क्या करते। वड़ा पाव पाव वड़ा पाव 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 वड़ा 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 पाव बूम्बा। भाई भाई मुझे नहीं पता भाई ये क्या चीज़ था, बट हाँ मैं मतलब कॉपीराइट नहीं चाहता था तो ये वड़ा वाव वाव होता है ना, मतलब भाई क्या कबीर सिंह का। सो इन लोग मतलब ग्रेनेड वगैरह करने लगते हैं एंड यार मेरी हाफ HP हो जाती है। तो यार अभी ये लोग मतलब रश भी कर रहे होते हैं, भाई मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप इसे इंजॉय करो। एंड यार ग्रोजा वाले और M249 वाले हलवे की तरह यहाँ पर पीटे जाते हैं,
भाई एक तालिया इन दोनों एनिमी के लिए। तो यार जैसे कि ये दोनों एनिमी ने मेरे पे रश किया था, तो यार मतलब इनकी जो लड़ाई चल रही थी वो स्कूल वालों से, तो स्कूल पे स्टिल बंदे थे, तो यहाँ पर मैं पहाड़ पे आ जाता हूँ उनकी जगह पे, एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ से स्पॉट करता हूँ स्कूल वाले बंदों को। एंड यार स्कूल वाले बंदे फुल मतलब एकदम मजे में पूरा गार्डन गार्डन बनाकर बैठे वहाँ पर कॉलेज को स्कूल को। तो फिर यार मैं वहाँ से निकलने का प्लान करता हूँ, बिकॉज यार मतलब जोन नहीं था सर पे, बट फिर भी यार देखो चुल मचती है मेरे, मतलब कीड़ा वापस जागता है एंड फिर मैं वापस से रुक जाता हूँ यहाँ पर। सो यार मैं सच्ची बता रहा हूँ इस पॉइंट पे मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, बट यार मैं कौन से गन से मरूँगा आपको गैस करके बताना है, ठीक है, और मेरी मौत मतलब नेचुरल नहीं होती भाई, आप खुद ही देखो, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, और नॉक करने के बाद मैं फिनिश करने की नाकाम कोशिश करता हूँ, बट नहीं कर पाता, ठीक है, बट उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरी मौत कौन से गन से लिखी है। हाँ भैया मेरी पेटी VSS से बनती है, मतलब देखो यार इतना तगड़ा VSS कौन चलाता है यहाँ पर। VSS मैं मानता हूँ भाई VSS काफ़ी अच्छी गन है, बट यार उसका जो एमओ स्प्रेड होता है भाई बहुत नेक्स्ट लेवल पे होता है, एंड उस बंदे ने इतने दूर से भाई मुझे यहाँ तक मार दिया भाई, मतलब लेजेंड है भाई लेजेंड, रिस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसे बंदों की। खैर यार बस आज की वीडियो में इतना ही, बस मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियोस नहीं बनाया, बट यार नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा बिकॉज थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, भाई कर दो सब्सक्राइब, पैर पड़ता तुम्हारे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो प्लीज़, एंड तब तक लिए बाय बाय एंड सी या।